एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। सो मैंने काफ़ी टाइम पहले पर्पल से कुछ शॉपिंग करी थी स्किन केयर की, सो आई थॉट लेट्स जस्ट शेयर दिस वीडियो, मेक अ हॉल एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस देखना अच्छा लगता है। सो आई थॉट लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग इट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हॉल। तो मुझे वाओ के गूगल पे से कुछ कोड्स मिले थे जिसकी वजह से मैंने सारी शॉपिंग कर ली। सो वो है, ये मैंने परचेज की थी सबसे पहली चीज़, ये वाओ की सनस्क्रीन। ये मुझे बाय टू गेट वन फ्री मिली थी। इट रिटेल्स फॉर 100 ml ₹499, बट मुझे 399 में मिल गई थी और ये दो पैक फ्री थी। दिस इज़ मैट सनस्क्रीन, दिस इज़ SPF 55 फॉर ऑल स्किन टाइप्स, दिस इज़ UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। सो लेट मी शो यू द सनस्क्रीन, दीज आर एक्चुअली रियली नाइस सनस्क्रीन्स। ये आपको पूरी तरह वाइट दिखेगी बट दीज गेट्स ब्लेंडेड इनटू स्किन रियली इजीली। ये मैंने अभी थोड़ा ज़्यादा लगा लिया है बट फिर भी ये देखो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गई है। सो या दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट। सो आई रियली रियली लाइक दिस सनस्क्रीन। मैंने पहले कभी एक्चुअली सनस्क्रीन यूज़ की नहीं है, सो आई डोंट नो द इफेक्ट्स, बट इट इज़ रियली नाइस। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई गॉट इज़ अ मॉइस्चराइजर। सो द मॉइस्चराइजर विच आई गॉट इज़ दिस पॉन्ड सुपरलाइट जेल मॉइस्चराइजर, द मोस्ट फेमस वन विथ हाइलरॉनिक एसिड एंड विटामिन ई। दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक, कि ये मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ अ रियली नाइस मॉइस्चराइजर। ये स्किन में बहुत इंस्टेंटली ऑब्जॉर्व हो जाता है। लेट मी शो यू। सो या दिस इज हाउ इट गॉट ऑब्जॉर्व सो क्विकली। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइजर, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस वन, दिस इज़ रियली रियली नाइस। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस। Now moving on to the next product is a toner. We are going according to the steps of the skincare. So this is the third product which I got. This is a green tea, good vibes green tea toner, and this is a rosehip one. So ये green tea वाला मैं already finish कर चुकी हूँ because parcel को काफ़ी time हो गया है, month के भी ऊपर हो गया है। And ये काफ़ी अच्छा toner है, ये कुछ 175-185 का था और दिस इज़ 120 ml। सो इसको लगाने के बाद आपको एकदम रिफ्रेशिंग फील होगा एकदम। इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन टी की फ्रेग्रेंस है, सो इफ़ यू डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस दिस इज़ नॉट फॉर यू, बट दिस आई रियली रियली लाइक इट बिकॉज दिस वॉज रियली नाइस रिफ्रेशिंग एंड कूलिंग इसकी एकदम फीलिंग थी। सो या दिस इज़ द ग्रीन टी वन। सो मूविंग ऑन टू द रोज़हिप वन is a skin clarifying toner and this was for 195 and this is also 120 ml. This is also really nice. In dono ka mist kafi acha hai and this has a really really strong rose ya rosehip ki fragrance. Inka ek serum hai, rosehip serum, this exactly smells like that aur ye bhi kafi strong fragrance hai. If you don't like fragrance this is not a product for you, बट आई रियली रियली लाइक इट। इसको एकदम स्ट्रॉन्ग, इसका एकदम ऐसा फेस पे रोज बहुत सारे वाटर रोज वाटर डाल दिया है, बिल्कुल वैसा फीलिंग है। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अ फेस सीरम। सो दिस इज़ अ सीरम विच आई गॉट, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई गॉट रोज़हिप सीरम। सो ये कुछ 550 का था बट मेरे पास कुछ कूपन कोड थे सो उसकी वजह से मुझे हाफ़ प्राइस 330 का पड़ा था। एंड दिस इज़ अ रियली नाइस सीरम फॉर अ बिगनर। ये लगाने के बाद मेरी कॉम्बिनेशन स्किल है बट मुझे बिल्कुल भी चिप चिप ऑयली कुछ भी फीलिंग नहीं है इसकी। और ये आता है ये पम्प पैकेजिंग के साथ, ये एकदम इंस्टेंटली स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है और इसको लगाने के बाद आप लोग आपकी स्किन एकदम स्मूथ सटल प्लम्प ऐसे थोड़ी सी इवन टेक्स्चर लगेगी। सो ये काफ़ी अच्छा सीरम है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट फ्रेंडली सीरम दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड सीरम, यू कैन ट्राई दिस वन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल विच इज़ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ द हॉल
विच इज़ दिस टी ट्री एसेंशियल ऑयल, दिस इज़ अ 10 ml और ये मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, लाइक अब इसमें कुछ भी नहीं है, कल तक इसमें था थोड़ा सा तो मैं वो मैंने यूज़ कर लिया है। अगर आपको थोड़ी बहुत एक्ने की प्रॉब्लम है सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन, इसको आप रात को लगा दो जहाँ भी आपका एक्ने या लिटिल बिट बम्प है, सो ये सुबह तक थोड़ा सा फ्लैटन हो जाएगा और आप 2-3 दिन तक लगाओगे तो ये पूरी तरह उसको फ्लैट कर देगा। सो दिस इज़ रियली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन, नॉट टू मच ऑफ एक्ने बट थोड़ा बहुत अगर रहेगा तो ये उसको रिड्यूस करने में आपके हेल्प करेगा। दिस इज़ फॉर 245 rupees बट ये आपको कम प्राइस में ईजीली मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट विच आई गॉट, और उसके बाद मुझे 2 चीज़ें फ्री मिली है सो इसलिए मैं इसको लास्ट प्रोडक्ट बाय माई परचेज बोल रही हूँ, विच इज़ दिस लिकरिश फेस स्क्रब। सो जेनरली आई डोंट लाइक दिस फेस स्क्रब दैट मच, फिजिकल स्क्रब वैसे भी अब लोग बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज़ फॉर 195 rupees फॉर 50 gram ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज़ अ ह्यूज टब, ये जल्दी ख़त्म नहीं होगा, मैंने इसको 2 ही बार यूज़ किया है। सो ये थोड़े से इसके बीड्स थोड़े हार्ड हैं सो इसलिए मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। अगर आपको पर्सनली फिजिकल स्क्रब्स पसंद है सो यू कैन ट्राई दिस, बट फिजिकल स्क्रब अब थोड़े आउटडेटेड हो रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट, बट दिस इज़ नॉट अ वाव प्रोडक्ट, दिस इज़ एन ओके काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस। Now moving on to the last two products of this haul which I got for free and I will highly recommend those product and this one tea tree oil. If you want any 2-3 things from this haul you can definitely check out these. So first thing which I got for free is this Good Vibes Peach Nourishing Face Wash. So this comes with a pump और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। दिस फेस वॉश इज़ रियली नाइस, दिस इज़ फॉर 120 ml फॉर 195 rupees। एक्चुअली 3 पे 1 का ऑफर था फ्री, 3 गुड वाइब्स के प्रोडक्ट लोगे 2 पे 1, तो इसके लिए मुझे ये मिला क्योंकि 4 प्रोडक्ट हो गए थे इसलिए 2 प्रोडक्ट मिले। सो ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है, इट हैज़ फ्रेगरेंस, इट हैज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस ऑफ पीच, बट दिस इज़ अ रियली नाइस फेस वॉश, इट लैदर अप सो वेल, इट फोम सो वेल, इट इज़ रियली जेंटल ऑन द स्किन, ये आपको बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड बजट फ्रेंडली फेस वॉश दिस इज़ रियली नाइस। ये ऑलरेडी मेरा ख़त्म होने वाला है सो यू गाइस नो, एक अगर कुछ ख़त्म होने वाला है तो ऑफकोर्स हमने उसको यूज़ किया है, सो दिस इज़ रियली नाइस। इसमें इसके अंदर आपको काफ़ी सारे वेरियंट्स मिल जाएंगे, लाइक मलबरी था, चारकोल, फिर कोको, सो यू कैन चेक आउट द अदर्स ऑल्सो, बट इट हैज़ फ्रेगरेंस, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस, बट मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई सो आई रियली लाइक इट। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट, लाइक मैंने 2-3 चीज़ों पर बोल दिया है, सब पे बोल दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि जनरली प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे थे। सो दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट विच आई हैव, दिस इज़ अ वीट जर्म नाइट क्रीम, नरिशिंग नाइट क्रीम, दिस इज़ फॉर 345 rupees, 100 grams ऑफ प्रोडक्ट, ये भी मुझे फ्री में मिली है। सो दिस इज़ वॉट द टब लुक्स लाइक्स, ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लिए है सो या सो ये भी स्किन में काफ़ी अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाती है। ये मैं नाइट में यूज़ करती हूँ और दिन में मैं पॉन्स का सुपर लाइट जेल यूज़ करती हूँ। सो ये काफ़ी, अगर मैं अपने पैसे से कुछ फ्री का प्रोडक्ट खरीदूँगी तो वो ये दोनों चीज़ें रहेंगी। यूजुअली फ्री के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते बट इसमें फ्री के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं विच इज़ अ गुड थिंग। सो इफ़ यू वॉन्ट अ गुड नाइट क्रीम सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस वन, दिस इज़ अ गुड वाइब्स वन, लाइक आई ऑलरेडी सेड दिस इज़ नॉट सो हैवी, नॉट सो लाइट के कुछ हाइड्रेटेड नहीं हुआ, ये ईजिली ये आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो, रात को भी यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ रियली रियली हाइड्रेटिंग। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस हॉल, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज, बाय बाय।